नए सृजन की नई इबारत, आज नया संसार बसा, छूटी बस्ती अभावों की आज नया घर द्वार मिला। वर्षों से विकास की बाट जोहते बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र में अभावों के बीच जीवन गुजार रहे वनवासियों के लिए एक नई सुबह लेकर आया 19 जून 2012। एक नई सुबह आशाओं भरी, एक नया दिन उमंग से भरा, एक नया जीवन उत्साह से सराबोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जैसे ही श्रीरामपुर में एक सुव्यवस्थित मकान की चाबी वनवासियों के हाथों में थमाई, उनके चेहरों पर खुशी की चमक, मन में कुछ पा लेने का उत्साह और नव जीवन का जोश अनायास ही झलक गया। आज के युग में कोई नया गांव में विधिवत तरीके से घर प्रवेश हो और पूरा का पूरा परिवार 350 सदस्य अपन मर्जी से, अपन खुशी से, अपन राजी से नवा गांव में आए की योजना बनाए। रामपुर वाले जगह है, श्री रामपुर में आए हैं, उनका स्वभाव भी वैसे है। पूरा गांव के 135 परिवार, 350 सदस्य ये नवा गांव में आज प्रवेश करते, लगभग 75 वर्षों से बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र में जंगली जानवरों की दहशत और अभावों के बीच रामपुर के 135 वनवासी परिवारों की जिंदगी में मुश्किलें कम न थी। ना तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं थीं, ना ही आवागमन के रास्ते। अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से तेंदुपत्ता और लघु वनोपज का संग्रहण भी यहां रहने वालों के लिए आसान नहीं था। कई किलोमीटर दूर बाजार और आवागमन के साधनों की अनुपलब्धता, ऐसे में समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह कट चुके इन लोगों के लिए जीविकोपार्जन के अवसर तलाशना काफी मुश्किल था। एक ओर जंगली जानवरों द्वारा फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाने का डर, तो दूसरी ओर वनवासियों के भय से जंगली जानवरों का अभयारण्य से पलायन। अस्तित्व पर मंडरा रहे थे चिंता के बादल, और ये चिंता का विषय था शासन, प्रशासन, प्रकृति और आम आदमी के लिए, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए। वनवासियों से मिलना भी आसान नहीं था। जंगल आने वाले रिश्तेदारों को इनसे मिलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये अनुमति सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक की होती थी। एक रजिस्टर में आने जाने का समय और नाम दर्ज कराना होता था। सुबह जंगल में प्रवेश के बाद शाम तक बाहर निकलना होता था। ना निकल पाए तो उसकी वजह बतानी पड़ती थी। बंदिशें इतनी ज्यादा थीं कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें जंगल में कैद कर दिया गया हो। ऐसे में जब वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे पुनर्वास की बात की तो एकाएक उन्हें यकीन नहीं हुआ। मन में एक अनजानी शंका, कहीं अधिकारी हमें छल तो नहीं रहे। वनवासियों की मानसिक स्थिति को भांपकर उन्हें प्रतिस्थापन के प्रति आश्वस्त कराने के प्रयास किए गए। यहाँ के रहवासियों को काफ़ी असुविधाएं थीं। यहाँ विद्युत व्यवस्था नहीं थी, सीमित कृषि भूमि थी और आवागमन और ये सब साधनों का नितांत अभाव था। वन्य प्राणियों के द्वारा भी इनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता था। इसके साथ ही साथ आज से 70-72 साल पूर्व जब इन्हें बसाया गया था तब मात्र 2.5 हेक्टेयर कृषि भूमि का पट्टा दिया गया था। आज इनके परिवारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इन सब असुविधाओं से बचने के लिए जब इनके समक्ष शासन के विस्थापन नीति के बारे में बताया गया तो सन 2000 के आसपास की बात है। बीच में इनको चर्चा करके समझाने पर ये लोग
की समझ में आया और ये लोग उसके बाद विस्थापन के लिए इन्होंने अपनी सहमति दी। बार नवापारा क्षेत्र के रामपुर, नवापारा और लाटा दादर गांव के वनवासियों को बसों में बैठाकर बिलासपुर के अचानक मार वन अभयारण्य क्षेत्र से विस्थापित गांवों का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा, व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों से बातचीत की और साथ बैठकर खाना भी खाया। मेरा नाम आनंदराम यादव है, मैं बारने परख रहने वाला हूँ और यहाँ जो आए हैं अपन रामपुर नया पारा और लाटा दादर का जो व्यवस्थापन वाले संबंधी देखने आए हैं। जो यहाँ का व्यवस्थापन हो रहा है, हुआ है, वो बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। जी, मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है, मैं बारनवापारा अभ्यारण्य से आया हूँ और चूँकि हमको भी वहाँ से व्यवस्थापित होना है, इसलिए यहाँ के गांव वाले भी व्यवस्थापित हुए हैं अचानक कुमार अभ्यारण्य से। उन लोगों को यहाँ आकर देखे हैं, यहाँ के खेत को देखे हैं, उनके मकान को देखे हैं, उनके तालाब को, मतलब शासन ने 18 साल को प्रत्येक परिवार मानकर मकान दिया है, खेत दिया है, सब चीज़ सुविधा दिए हैं जो अपन लोग मांग किए हैं ना, उनको दिए हैं। अगर ऐसी स्थिति वहाँ भी हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग भी व्यवस्थापन हो जाएंगे। सुगठित बसाहट, बिजली, पानी, सड़क, मकान, खेती बाड़ी, सुख सुविधाएं और रहन सहन देखकर इन वनवासियों के मन में भी आकार लेने लगी विकास की एक नई कल्पना। चाहते हैं हम लोग जो कल्पना करके जो मन बना के सहमति बनाए हैं कि हम वो आज़ाद पंछी की तरह जीवन जिएंगे और हमें स्वास्थ्य सुविधा होगी, शिक्षा सुविधा होगा, बिजली सुविधा होगी, सारे सुविधा वहाँ मौजूद हो रहे हैं जहाँ पर हमारे गांव को बसाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छा सा जीवन जिए और विकसित ग्राम अपने को विकास करें, अपने अंदर सभी हमारे जो मेरे बाल बच्चे हैं, समझिए मेरे उम्र के नीचे जितने भी बाल बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो और कोई तो एक कंपटीशन एग्ज़ाम दे के एक चौकीदार कम से कम बने, यहाँ चौकीदार भी नहीं है। और फिर रामपुर के निवासियों ने स्वप्रेरणा से पुनर्वास योजना में उत्साहजनक भागीदारी दी। इस तरह ग्रामीणों की सहमति से तैयार उनकी बसाहट की कार्य योजना साकार हुई। व्यवस्थापन के लिए जब ग्रामीणों की सूची बनाई गई, तो पहले गांव छोड़कर जाने वाले लोगों ने भी इस नई बसाहट में शामिल होने की मांग की। ये में लिखे कि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, फिर रामलाल के राशन कार्ड है अभी, हाँ जोड़वा देते हैं। मतलब 5 एकड़ जमीन और एक घर दे के प्रावधान, जैसे एक बाप है और 3 बेटा है 18-18 साल, तीनों बेटा मिला था और बाप मिला था कि नहीं। जमकर राजनीति होने के बाद भी रामपुर के निवासी इस मांग से सहमत नहीं हुए और पहले ही गांव छोड़कर जाने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। एक ऐसा ही प्रयास था अभयारण्य क्षेत्रों के वनवासियों को बेहतर वैकल्पिक बसाहट देने का, ताकि उन्हें रोजगार और आर्थिक विकास के अच्छे अवसर मिल सकें। बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र के वन ग्राम रामपुर के निवासियों को व्यवस्थापन के तहत महासमुंद जिले के विकास खंड पिथौरा में श्रीरामपुर में बसाया गया। एक आदर्श वन ग्राम के रूप में उभरने वाले ग्राम श्रीरामपुर के आकार लेने की कहानी शुरू हुई थी करीब 2 साल पहले। 24 अप्रैल 2010 को ग्राम स्वराज अभियान के दौरान जब मुख्यमंत्री बार नवापारा गए, तो वहां के लोगों ने बार नवापारा से बाहर जाकर रहने की इच्छा जाहिर की और वन विभाग के अधिकारियों को उन ग्रामीणों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही कैंपा फंड से 8,10,00,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी और फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ आकार लेने लगा एक आदर्श गांव श्रीरामपुर। श्रीरामपुर के विकास की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बार नवापारा वन क्षेत्र का गांव रामपुर तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के दौरान रायपुर जिले में था। वर्ष 1938 में अंग्रेज सरकार ने बार नवापारा के जंगलों में वानिकी कार्य के लिए 24 श्रमिक परिवारों को यहां लाकर बसाया और उन परिवारों ने इस बस्ती को नाम दिया रामपुर।
धीरे धीरे इस गांव में परिवारों की संख्या बढ़कर 135 हो गई। ग्रामीणों की सहमति से तैयार की गई बसाहट की कार्य योजना के अनुसार हरियाली से आच्छादित वनों से परिपूर्ण एक पहाड़ी के समीप 310.50 हेक्टेयर वन भूमि में नई बस्ती का निर्माण कराया गया है। इस सुरम्य वातावरण में बसी नई बस्ती में सभी परिवारों को पक्के मकानों और चौड़ी सड़कों के साथ ही सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं में शामिल हैं सीमेंट से बनी कंक्रीट रोड, 2 हेक्टेयर का तालाब, पेयजल के लिए हैंडपंप, बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक और मिडिल स्कूल, उचित मूल्य की दुकान और साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, आवागमन की सुविधा और सुगमता के लिए 13 पुलियाओं सहित WBM पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। कुल 310.50 हेक्टेयर भूमि में से प्रति परिवार 2 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए आवंटित की गई है और कुल कृषि भूमि का 2.5% प्रत्येक परिवार को आवासीय भूखंड के रूप में दिया गया है। साथ ही 2.5% हिस्सा सड़क और नहर के लिए और 10% हिस्सा सामुदायिक भूमि के लिए निर्धारित किया गया है। पुरानी बसाहट को छोड़कर नई बसाहट में शामिल इन 135 परिवारों के लिए प्रति परिवार 10 लाख रुपए के हिसाब से 13 करोड़ 50 लाख रुपए विस्थापन पैकेज के रूप में मंजूर किए गए। इनमें से 25% राशि पक्के मकानों के निर्माण पर और 20% राशि सड़क एवं सामुदायिक सुविधाओं के विकास पर खर्च की गई है। कृषि भूमि के अधिग्रहण और निर्माण पर 35% राशि खर्च की गई है। किसानों की सुविधा के लिए आवंटित कृषि भूमि का समतलीकरण भी किया गया है। सिंचाई के लिए तालाब और स्टॉप डैम के निर्माण के साथ ही प्रत्येक 5 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 5 हॉर्स पावर का एक नलकूप भी लगाया गया है। साथ ही श्रीरामपुर के विद्युतीकरण का काम भी तेजी से किया गया ताकि उन परिवारों की जिंदगी में आशाओं और अपेक्षाओं की नई रोशनी जगमगा उठे। विस्थापन के डर से आशंकित वन ग्राम रामपुर के 135 परिवारों को मिला उनकी कल्पना से परे एक ऐसा गांव जहां प्रत्येक परिवार के लिए 5000 वर्ग फीट आवासीय भूमि उपलब्ध कराई गई थी। इसमें से 765 वर्ग फीट में पक्के मकान और शेष 4235 वर्ग फीट में पशुओं के लिए कोठा, विकसित बाड़ी और पक्का शौचालय बनाया गया है। इस तरह वर्षों से अभावों में जीते और विकास की बाट जोहते रामपुर के वनवासियों को श्री रामपुर के रूप में एक नया बसेरा मिल गया है। एक ऐसी सर्व सुविधा युक्त बस्ती जहां पूर्ववर्ती रामपुर के लोग नए सिरे से नव जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। अभ्यारण क्षेत्र से विस्थापन का ये पहला उदाहरण है और जहां तक मेरी जानकारी है इतना बड़ा विस्थापन अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। और इस कार्य की सफलता से प्रेरित होकर बारनवापारा अभ्यारण्य के लगभग 16-17 गाँव के लोगों ने आवेदन दिया है और वो भी स्वेच्छा से अभ्यारण्य के क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मानव और वन्य प्राणी का सह अस्तित्व निसंदेह एक आदर्श परिकल्पना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये तभी संभव है जब हम अभ्यारण्य क्षेत्रों से वनवासियों को अन्यत्र विस्थापित करें और उन्हें वो तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो शायद अभ्यारण क्षेत्र में उन्हें नहीं मिल सकती थी। यह नई बसाहट एक आदर्श पुनर्वास ग्राम के रूप में प्रदेश के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। मंजिलें अभी और भी हैं, रास्ते अभी और भी हैं। रामपुर से श्रीरामपुर तक की यह विकास यात्रा अभावों में जी रहे लोगों के विकास पथ पर आगे बढ़ने की एक मिसाल बनकर सामने आई है और लोगों को सपने गढ़ने और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से हम बारनवापारा के रामपुर गांव का व्यवस्थापन करके हम श्रीरामपुर गांव के रूप में उसका पूरे वहां पर 135 परिवार को मूलभूत व्यवस्था के साथ वहां पर कि जो परिवार को प्रत्येक 18 साल के ऊपर वालों को 5 एकड़ की जमीन लेबलिंग करके पक्के मकान बना करके और मूलभूत व्यवस्था से बेहतर अच्छा काम हुआ है। वहाँ के लोग इस काम से बहुत खुश हैं
और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश में पुनर्वास की दृष्टि से हमारे अपहरण क्षेत्र बहुत बढ़िया काम हुआ है और हमारे दो तीन गाँवों का भी काम शुरू हुआ है और आने वाले समय में इन गाँवों का भी कायाकल्प होगा और निश्चित रूप से रामपुर से श्री रामपुर गाँव का जो व्यवस्थापन हुआ है पूरे गाँव के साथ साथ एक विभाग की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण अच्छा कार्य हुआ है जो एक देश में एक मॉडल के रूप में एक विकसित हुआ है।